पहले उन विषयों को पढ़िए जो विषय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में हमेशा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन विषयों को पहले प्राथमिकता देनी है, पर अगेन एग्जाम पे डिपेंड करता है। किसी एग्जाम में अगर जीएस और साइंस का ज्यादा रोल है तो आपको जीएस साइंस पे ज्यादा काम करना है। अगर मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा रोल है, इंग्लिश का ज्यादा रोल है, इंग्लिश पे ज्यादा करना है। सीक्वेंस हमेशा इस बात से तय होता है कि परीक्षा में किस विषय से ज्यादा प्रश्न आएंगे। और वैसे मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे विषय हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। आप बोलते हो जीएस से ज्यादा प्रश्न आते हैं तो आप गलत हैं। जीएस मत बोला करो कभी। जीएस मतलब वो अपने आप में 10 विषय होते हैं, है ना। इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इतने विषय को जीएस बोलते हैं। अब हिस्ट्री से कितने सवाल आएंगे भाई? 4 सवाल आएंगे। मैथ्स से कितने सवाल आएंगे? 25 सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो मैथ्स हुआ ना। इतिहास भी एक विषय है, जीएस विषय नहीं है। जीएस जो है वो एक ग्रुप है 8-10 विषयों का, उससे 25-30 सवाल आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जीएस से ज्यादा सवाल आते हैं तो गलत। जीएस नहीं, 10 विषयों से 25 सवाल आ रहे हैं। तो 10 विषयों से 25 सवाल इंपॉर्टेंट है या एक विषय से 25 सवाल इंपॉर्टेंट है, ये तय करिएगा। पढ़ना हर सब्जेक्ट है, पहले वो पढ़ना है जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिनसे कम प्रश्न आते हैं। पढ़ना सब है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि इसको पढ़ लो, इसको छोड़ दो। सीक्वेंस सेट करो, पहले वो उठाइए जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं और उसको कम समय दीजिए जिससे कम प्रश्न आते हैं। जब आपको इसी चीज को मैं ऐसे समझाता हूँ भाई, आप ऐसे समझो कि आपके दिन का 80% समय उन विषयों पे जाना चाहिए जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और 20% समय उन विषयों पे जाना चाहिए जिनसे कम प्रश्न आते हैं। पढ़ना सब है, बंद किसी को नहीं करना है। जब आपके ये विषय मजबूत हो जाएंगे तो आंकड़ा उलट जाएगा। अब इंपॉर्टेंट विषयों को 20% समय दीजिए और जो विषय जिन पे आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया उन्हें 80% समय दीजिए। हमें बैलेंस हमेशा बनाना है ना। तो भाई मान लो कि आपने अभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे विषयों पे ज्यादा समय दिया, जीएस को आपने कम समय दिया कि 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे इधर देंगे, 2 घंटे इसको देंगे। जब ये अच्छे हो जाएंगे तो भाई हम तुम्हें 2 ही घंटा देंगे, अब हम 8 घंटे जीएस को देंगे और इनको प्रैक्टिस से मेंटेन कर लेंगे। इसको समझदारी बोलते हैं। समझदारी ये नहीं है कि हर विषय को बराबर समय देना है, हर विषय को सेम समय देना है, ऐसा नहीं है। सबको समान समय नहीं देना है, हमें टारगेट के साथ पढ़ना है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे कितने विषय करने का। लोग लिखते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ही तो अच्छा करना है। नहीं भाई, लिस्ट तो बनाओ। जीएस अभी मैंने गिनाया, लिखो, टारगेट बनाओ कि पहले इन 2 या 3 विषयों से ज्यादा विषय पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले उनको अच्छा करो, फिर आगे बाकी को देखेंगे। आप सोचते हो कि 10 विषय हैं, हर विषय को एक एक घंटा रोज पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहना, 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन जाओगे, कुछ अच्छा नहीं होना। निपटाओ, भिड़ो कि भाई 4 घंटे मैथ्स को, 3 घंटे रीजनिंग को और 2-1 घंटे इंग्लिश को देंगे, बाकी करंट अफेयर्स और ये हो गया। बस मेन चीजों को ज्यादा समय दो। खत्म करना इंपॉर्टेंट है, चीज खत्म होनी चाहिए, चलते नहीं रहनी चाहिए, फिनिश होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस को इस आधार पे तय करो, क्या इंपॉर्टेंट है उसको पहले उठाओ, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम समय दो। जब इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो जाए तो जिसको कम समय दिया उसको ज्यादा समय दो और प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज रहेगी। नींद के बारे में जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कम नींद लोगे तो भी आपकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, बेटर यार सो लो, है ना। उससे अच्छा है कि थोड़ी नींद ले लो। 6-7 घंटे की नींद आप जरूर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको अपनी आदत में बनाइए, अपना स्लीपिंग साइकिल फिक्स करिए। रोज एक निश्चित समय पे सोना है, निश्चित समय पे उठना, वो आपकी एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दिक्कत क्या है, किसी दिन 11 बजे सो गए, किसी दिन 12 बजे सो गए, किसी दिन 9 बजे सो गए, किसी दिन 4 बजे सोए, आप बहुत जीवन में परेशान रहोगे। जो अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहेगा उसकी जिंदगी ही अस्त व्यस्त चलेगी, और जो जितना सिस्टमेटिक होगा उसका रिजल्ट भी उतना ही सिस्टमेटिक मिलेगा। करते कुछ भी हो, कभी भी उठ रहे, कभी भी पढ़ रहे, कभी भी सो रहे, कभी भी खा रहे, कभी भी नहा रहे, कभी नहा ही नहीं रहे, कुछ जिंदगी का ठिकाना ही नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। कम हो लेकिन अच्छा हो, कम समय दे लेकिन जितना करे उतना अच्छा करे, और एक निश्चित समय पे करने की आदत बनाए।